Hello and welcome to all of you. Today I am welcoming you in the online class, and of course today we are going to learn from the chapter articles, which is belongs to our English second or English grammar book. Okay, and today we are going to do the exercise 2. Okay, very good. So I hope you have done all the things from yesterday's work, which I have posted yesterday. That video have you seen? If you have not seen, then just go to the or visit to the video and do the work. Okay, let's move forward. Fill in the blanks with A, N or the. Fill in the blanks with A, N or the. Okay, so हमें क्या करना है, हमें फिल करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है. किससे फिल करना है? दिस आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल्स यहाँ पे है हमारे सामने, देखो ए एन और द, द के में फिल करना है. ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड. आर यू रेडी एवरीबॉडी? ओके, दैट्स द जॉब, कम ऑन मूव फॉरवर्ड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, हियर वी गो. He is DES engineer. He is DES engineer. A engineer or an engineer? The answer is no. E. Engineer started from E. ठीक है, और E जो है वो vowel से belong करता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? He is an engineer. Okay? Everybody, you just write in your copies. Okay? Very nice. He is an engineer. क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्योंकि ई जो है वो वोवेल होता है, और इंजीनियर जो वर्ड है वो कहां से? वो ई से शुरू होता है, और ई जो है वोवेल है, इसलिए हम क्या करेंगे, ई से पहले हम एन लगाएंगे, ए एन आन. अंडरस्टूड? हियर इट इज, यू कैन सी मैंने यहां पे सर्कल करा हुआ है, आप देख सकते हो, ही इज एन इंजीनियर. मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, हियर वी गो. My father bought this new laptop yesterday. मेरे पापा एक नया लैपटॉप लाए, कब? कल. ठीक है, सो मेरे पापा लाए, क्या लाए? एक नए लैपटॉप लाए. अ न्यू लैपटॉप और एन न्यू लैपटॉप, व्हाट आर यू से? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल वी पुट इन दिस ब्लैंक? क्या लगाएंगे? ओके, मैं बता देता, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या लगाना है. ओके, सो न्यू लैपटॉप, न्यू लैपटॉप, एक नया लैपटॉप जो है ना, वो एक नया लैपटॉप है, तो क्या होगा? आ न्यू लैपटॉप. क्यों? क्योंकि एन शुरुआत होता है न्यू लैपटॉप से, और एन जो है ना वो एक कॉन्सोनेंट है. ओके, एंड बिफोर कॉन्सोनेंट वी नीड टू पुट ए ओनली, नॉट एन. अंडरस्टूड? वेरी गुड. माई फादर बॉट a new laptop yesterday. Understood, beta? I hope so. Okay, move forward. Question number 3. Here we go. I have this aunt. She lives in Dehradun. Sorry, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया. Okay, I have this aunt. मेरे पास एक aunt है. मेरी एक aunt है. I have आ अंट या फिर आई हैव एन अंट. कैन यू से समथिंग? अंट, अंट इज स्टार्टेड फ्रॉम ए, है ना, और अंट का जो अंट, अंट का है ना आंटी, आंटी एक्चुअली ए यू एंटी जो होता है ना, वो अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं, हम जिसको आंटी बोलते हैं ना उसको वो लोग अंट बोलते हैं, ए यू एंटी. ओके, सो आई हैव एन अंट बिकॉज अंट स्टार्टेड फ्रॉम अ वोवेल नेम्ड ए. ये ए लेटर जो कि एक वोवेल है उससे शुरुआत होता है, और वोवेल से पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं. ठीक है, आई हैव एन आंट, शी लिव्स इन देहरादून. ओके, समझ में आया? होप सो. मूविंग फॉरवर्ड, द चाइल्ड इज इन द गार्डन, द चाइल्ड इज इन अ गार्डन. आई एम सॉरी, मैं यहां पे इज लगाना भूल गया. ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखो, मैंने इज लगाना भूल गया, तो आप जब लिखोगे तो इसमें इज लगाओगे. ठीक है, वेल द चाइल्ड इज
इन द गार्डन या फिर द चाइल्ड इज इन अ गार्डन. इफ वी विल सी ग्रामेटिकली बोथ अ करेक्ट. ग्रामेटिकल क्या होता है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पे ध्यान देंगे. क्या ध्यान देंगे, ध्यान से देखो. द चाइल्ड इज इन द गार्डन कहना इजी होगा, ठीक है. क्या होगा देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे ए एन और दो लगाने, तीनों में से एक कोई भी लगाना है, तो ध्यान से सुनो कि दो क्यों लगाना है उसमें. क्योंकि जो गार्डन है ना, हम जानते हैं ये कौन सा गार्डन है. गार्डन तो बहुत सारे हैं, ठीक है. तो उनमें से अगर एक गार्डन बोलते तो क्या बोलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं आ गार्डन. यहाँ पे ऐसे हो जाता, लड़की जो है ना, तो बच्ची जो है या फिर बच्चा जो है, द चाइल्ड इज इन अ गार्डन. ये जो बच्चा है कहाँ पे है, एक गार्डन में है, हम ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम गार्डन में हैं, हम डायरेक्टली एक गार्डन में नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं गार्डन में है. द चाइल्ड इज इन द गार्डन, बच्चा जो है वो गार्डन में है, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है. एक गार्डन में हम नहीं बोल सकते, इसलिए करके हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. अंडरस्टूड? अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करो और फिर से सुनने की कोशिश करना, ठीक है. एंड आई होप यू विल कम टू नो. यस, मूविंग फॉरवर्ड. Yeah, the child is in the garden. It is dash popular show. ये एक popular show है. तो क्या लगाएंगे, पहला clear करते हैं हम. It is a popular show और it is an popular show. ध्यान से सुनता हूँ. It is because popular show P that is belongs to a consonant that is not a vowel. That's why what we'll do, we will put A on it. Understood? It is a popular show. Okay? It is a popular show. और वो popular show के बारे में फिर से जिक्र हो रही है. ध्यान से सुनो, फिर से हम लोग बात कर रहे हैं सेम सेंटेंस में. ओके, कोमा से पहले हमने क्या किया, popular show के बारे में बात की, और कोमा के बाद उसी show के बारे में फिर से हम बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो. Dash show is watched by everyone. अगर हम यहाँ पे सो लिखा है करके, अगर हमने एस से सो हो शुरू होता है तो ऐसे कॉन्सोनेंट है करके अगर हमने यहाँ पे ए डाल दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है. कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. इट इज आ पॉपुलर शो, ये एक पॉपुलर शो है. अगर यहाँ पे फिर से हमने ए लगा दिया, आ शो इज वॉच्ड बाय एवरीवन, इसका मतलब क्या है, ये एक पॉपुलर शो है और एक शो ने सभी ने देखा है, एक शो को सभी ने देखा है. अगर हम लोग इस तरह से बोलेंगे तो हम दो शो के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, दो शो लगाना पड़ेगा. अंडरस्टूड? इट इज अ पॉपुलर शो, पहली बार शो के बारे में बात करते हुए हमने ए लगाया, उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, दो शो इज वॉच्ड बाय एवरीवन. और दूसरी बार हम लोग क्या लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं. दूसरी बार जब हमने शो के बारे में बात कर रहे हैं तो द लगाते हैं, हम फिर से ए नहीं लगाए, ठीक है. अंडरस्टूड? दो क्यों लगाया हमने, क्योंकि अगर एक चीज के बारे में हम फिर से बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग दो लगाते हैं, ए या फिर एन नहीं. ओके, वेरी गुड. वी सा डैश एलिफेंट एट जू, एट डैश जू. ध्यान से सुनो, वी सा डैश एलिफेंट, वी सा आन एलिफेंट और ए एलिफेंट, इसमें तो आपको पता है यहां पे क्या है, ई लगा है, एलिफेंट में ई लगा है. इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ई में से, ई से पहले हम क्या लगाते हैं, बिकॉज ई इज अ वोवेल, दैट्स व्हाई वी विल पुट एन ओवर हियर. ओके, एन एलिफेंट, वी सॉ एन एलिफेंट एट आजू, एट द जू या फिर एट एन जू. ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या, पहले तो हमने बात की एलिफेंट के बारे में, दूसरी बार जब हम बात करें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. और जू से पहले फर्स्ट लेटर क्या है जू का, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ जू, जूज फर्स्ट लेटर इज जेड, एंड जेड इज नॉट एन, सॉरी जेड इज नॉट अ वोवेल, दैट्स व्हाई व्हाट विल यू पुट ओवर हियर, वी विल पुट ए. Understood? We saw an elephant at a zoo. समझ में आया? I hope so. I hope
you have understood everything. Okay, I hope you have understood all the things. You have understood the topic. Write this exercise in your copy. So, this is the end of this topic, and of course, you just write everything in your exercise copy, this exercise in your copy, and start learning again and again. If you have any confusion, you can message me. You can watch the video once more, no problem at all. Okay. One more thing, beta, aap apna kaam group mein mat chhodna, theek hai? आप अगर चाहते हो तो मुझे अपने पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो. अपना काम हो गया, बट दैट नॉट रियली नीडेड. आप अगर काम किए हो तो एक काम करना, आप क्या करोगे, सर आई हैव डन द वर्क, आप ये लिख के भी आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप में. ओके, स्टे सेफ ऑलवेज, ट्राई टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट टाइम. Bye-bye.